कैसे हो मेरे दोस्तों। बीसीसीआई ने एक लिस्ट जारी कर दी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीसीसीआई ने 7 मार्की ऑलराउंडर सेट किए हैं आईपीएल ऑक्शन 2023 के लिए, जहां पर कोई भी इंडियन प्लेयर इस लिस्ट में है नहीं। अब बने रहिएगा अंत तक वीडियोस में, पूरा हिसाब किताब समझ आ जाएगा। क्या है ना कि 405 प्लेयर्स की एग्जॉस्टिव लिस्ट बीसीसीआई ने रिलीज कर दिया है मिनी ऑक्शन के लिए। टोटल 405 प्लेयर्स में से 273 इंडियन प्लेयर्स हैं, जिसमें 132 ओवरसीज प्लेयर्स हैं और हाँ, 4 ही प्लेयर्स हैं एसोसिएट नेशन से। अब आपको तो पता होगा ना कि अब सारी ही 10 टीम्स ने अपने कोर ग्रुप को बैक कर लिया है और अब 87 स्पॉट्स बचे हैं भरने के लिए, जिसमें से 30 स्पॉट्स ओवरसीज प्लेयर्स के लिए होंगे। अब बताओ, इतना जोर आजमाइश हो रही थी, सारे ओवरसीज प्लेयर्स माकी लिस्ट में हैं, एक भी इंडियन नहीं है, बताइए। आओ देखते हैं नाम। इंग्लैंड डुओ के बारे में बात करते हैं। उधम काट के रखा हुआ था दोनों का कि जी हाँ, मार्की में हो गए हैं लॉर्ड सैम करन और बेन स्टोक्स। सबसे ज्यादा हाई इन डिमांड प्लेयर्स होंगे दोनों, ये बात तो पहले से ही बहुत लोगों को पता थी, तो इसमें कुछ सरप्राइज वाला मामला नहीं है। सैम करन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनके इमर्ज हुए थे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 में, और यही नहीं, बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल निभाया था सैम करन ने अपनी टीम के लिए और टीम को वर्ल्ड कप जिताने में, बहुत बड़ा योगदान था इनका। तो मान के ही चला जा रहा था कि जैसे ही आएंगे सैम करन आईपीएल में, वैसे ही अलग तरीके की रफ्तार भर जाएगी मिनी ऑक्शन में। वैसे ही सेम किस्सा है बेन स्टोक्स का, पूरा वर्ल्ड कप इनका बल्ला सुस्त रहा, बेजान रहा, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप का फाइनल आया, निकाला बेन के स्टोक्स ने अपने बल्ले को और हपक के ऐसी इनिंग्स खेल डाली कि लगा अरे कैसे हो सकता है भैया। अब माना बहुत से बंतुल बुकारे लोड हो गए हैं टी20 क्रिकेट में, और उसमें से बेन स्टोक्स बहुत ही धारदार प्लेयर नहीं रह गए इस फॉर्मेट के लिए, लेकिन हाँ, इस बात को कोई सिरे से खारिज नहीं कर सकता है कि भैया बेन स्टोक्स के पास जबरदस्त एक्सपीरियंस है अंडर द बेल्ट, और प्रेशर क्रंची सिचुएशन में ना बेन स्टोक्स बेहतर परफॉर्मेंस करके देते हैं। दोनों ही प्लेयर्स का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए का है। फिर लिस्ट में नाम आएगा जिम्बाब्वे के स्टार ऑलराउंडर, जो हाई इन डिमांड प्लेयर रहेंगे, वो है सिकंदर रसा, जिनका बेस प्राइस है 50 लाख रुपयों का। और हाँ, T20 वर्ल्ड कप 2022 सिकंदर रजा के लिए भी बहुत अच्छा रहा था, जहां पर उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा था। सॉलिड मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, जो बहुत ही अच्छे रन स्कोर करते हैं मिडिल ऑर्डर में, और फिर एडिशनली एक बढ़िया स्पिन की वैरायटी ऐड ऑन करके देते हैं, तो बेस प्राइस कम है, उसके हिसाब से बढ़िया पिक हो सकते हैं किसी भी टीम के लिए, और प्रोडक्टिविटी के बारे में तो क्या ही कहने। फिर अगले ऑलराउंडर लिस्ट में आते हैं शाकिब उल हसन, और उनका बेस प्राइस है 1.5 करोड़ रुपयों का। अब आईपीएल 2022 का सीजन शाकिब मिस कर गए थे, लेकिन वो भी अभी भी हॉट फेवरेट ऑलराउंडर हैं और किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़े एसेट हो सकते हैं। एक्सपीरियंस बेशुमार है और बहुत से आईपीएल सीजन का भी एक्सपीरियंस है शाकिब के पास। फिर अगला नाम आता है लिस्ट में, वो होगा जेसन होल्डर का। अब वेस्टइंडीज के खिलाड़ी का बेस प्राइस 2 करोड़ का है। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से यह बहुत ही बड़ा शॉकर था जब उन्होंने जेसन होल्डर, जिनका आईपीएल सीजन 2022 बहुत ही डिसेंट था, उनको रिलीज कर दिया था अपने सेटअप से। अच्छे स्ट्रॉन्ग कोर प्लेयर्स की लिस्ट में जेसन होल्डर का नाम आता है, जहां पर वो अपना रोल बढ़िया तरीके से बैटिंग और बॉलिंग में तो देते ही हैं, लेकिन होल्डर एक चीज में और भी एक्स्ट्रा ऑफरिंग करके देते हैं, वो है बढ़िया लीडरशिप स्किल्स, जबरदस्त टेम्परमेंट है होल्डर के पास। चलते हैं एक खिलाड़ा ओडियन स्मिथ की तरफ भी। वैसे तो इंटरनेशनल अरीना में रन थोड़े से नहीं बन रहे हैं ओडियन स्मिथ के बल्ले से, और करंटली स्मिथ प्लेस है 50 लाख के बेस प्राइस में, लेकिन अगर तो टैलेंट और केपेबिलिटी की अगर बात करोगे ना, फिर वहां पर ओडियन स्मिथ के पास ये काबिलियत है कि वो अपने बल्ले से मैदान के किसी भी कोने में बॉल को पार कर सकते हैं और स्टैंड एंड डिलीवर करके दे सकते हैं बड़े ही आराम से, और साथ ही साथ बॉल को 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कंटिन्यूअसली डिलीवर कर सकते हैं। अब सीजन कैसा भी रहा हो अभी तक का, क्या पता मां की ऑलराउंडर्स की लिस्ट में इंक्लूडेड है, तो कहो कमाल ही कर दे। अब चलते हैं आखिरी प्लेयर की तरफ, वो है सबसे ही चर्चित नाम कैमरन ग्रीन का। ये लास्ट तो है, लेकिन लीस्ट किसी भी एंगल से नहीं है। जब से इंडियन सीरीज में रन बना के गए हैं, तब से भाई साहब बहुत ही फ्रेंचाइज की आंखों के तारे बने हुए हैं। इतना मारा ग्रीन ने कि बॉल का अलग रंग ही हो गया ग्रीन की ही तरह। कैमरन ग्रीन करेंटली 2 करोड़ के बेस प्राइस में लिस्टेड है आईपीएल के मिनी ऑक्शन में। ऑलराउंडिंग कैपेबिलिटी ग्रीन की उनको एक डेडली प्लेयर बनाती है, जिस पर हर ही टीम ड्राफ्ट करने के बारे में सोच रही है। टी20 सर्किट को एकदम तूफान की तरह हिला दिया था ग्रीन ने, और बहुत ही एक्साइटेड तो होंगे ही कि आ रहे हैं आईपीएल 2023 में। अब देखो, ये है लिस्ट 7 मार्की ऑलराउंडर्स की आईपीएल के मिनी ऑक्शन के बारे में। तो
एक बार लिस्ट देख लेते हैं, वो है बेन स्टोक, सैम करन, सिकंदर रजा, शाकिबुल हसन, जेसन होल्डर, ओडियन स्मिथ और कैमरन ग्रीन। तो अब आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर बताना और अपना फीडबैक जरूर देना यार, कैसी लगी आपको ये वीडियो। अच्छी लगी होगी तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर कॉन्टेंट अच्छा लग गया होगा ना तो फिर सब्सक्राइब करना हमको, मजा तो देखो उसमें ही है। इतना सब जब कर दोगे तो फिर बेल आइकॉन्स भी दबा देना, फिर जैसे ही हम वीडियोस डालेंगे आपको पता चल जाएगा कि स्विंग की वीडियो आ गई है। अच्छा तब तक ना अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर मिलता हूं मैं आपसे, ठीक है।